एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, जो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर सटीक बैठती है। पहले तो जनाब भारत के खिलाफ अभियान चलाते हैं, फिर दोस्त चीन के पास जाकर रौब झाड़ते हैं, फिर वहां से लौटकर उलझुल बयानबाजी तक दे डालते हैं और नतीजा मुइज्जू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगता है। जी हाँ, मुइज्जू को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है, किसी भी वक्त उनकी कुर्सी जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी वक्त उनकी सरकार गिर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी मुइज्जू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। इसके बाद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। खास बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति सोली की पार्टी एमडीपी को संसद के अंदर बहुमत हासिल है, ऐसे में मुइज्जू की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं मालदीव के बिजनेस टाइकून और जमहूरे पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने कहा है कि चीन की यात्रा से लौटने के बाद मुइज्जू को भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी हमला करने के लिए आवश्यक रूप से नई दिल्ली से माफी मांगनी होगी। मालदीव की मीडिया के मुताबिक 13 जनवरी को मुइज्जू ने चीन से लौटने के बाद कहा था, मालदीव किसी खास देश का बैकयार्ड नहीं है और कोई देश उसे धमका नहीं सकता। मुइज्जू ने अप्रत्यक्ष रूप से ये बात भारत के लिए कही थी, जिसके बाद बवाल मच गया और मालदीव के विपक्षी नेताओं ने जोरदार हमला बोला था। मालदीव के सांसद कासिम ने कहा, मैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू से अनुरोध करूंगा कि औपचारिक रूप से और पेशेवर तरीके से भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी से अपने बयान के लिए माफी मांगे। मुइज्जू ने भावना में बहकर भारत विरोधी बयान दिया था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अशांति फैलाने के लिए इंडिया आउट अभियान शुरू किया था, ताकि मालदीव की जनता और भारत के लोगों के बीच मतभेद पैदा किया जा सके। पूर्व राष्ट्रपति सोली ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और उन्हें इंडिया आउट कैंपेन चलाने दिया। हालांकि जब यह कैंपेन बढ़ गया तब उस पर बैन लगाया गया। ऐसे में मुइज्जू को भारत से माफी मांगनी ही चाहिए। अब सवाल यह कि आखिर कैसे गिर सकती है मुइज्जू की सरकार। दरअसल मालदीव की संसद में सदस्यों की संख्या 87 है, लेकिन फिलहाल वहाँ 70 सांसद है। ऐसे में बहुमत के लिए 2/3 का आंकड़ा पाना मुइज्जू के लिए मुश्किल लग रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एकजुट विपक्ष का होना है। आइए 5 पॉइंट में समझते हैं कि कैसे मुइज्जू का जाना तय है। मालदीव की संसद में विपक्ष में मौजूद एमडीपी और डेमोक्रेट्स दोनों को मिला दिया जाए तो उनके पास 56 सदस्य होते हैं। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव पारित किया है। मालदीव की संसद में महाभियोग लाने के लिए 54 सांसदों की जरूरत है, जबकि विपक्ष के पास पहले 56 सांसद हैं और सभी ने महाभियोग के लिए कंसेंट पर साइन कर दिया है। अगर संसद में महाभियोग आ जाता है तो राष्ट्रपति मुइज्जू को 14 दिन का समय मिलेगा। इसमें उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा और 1 घंटे में खुद को डिफेंड करना होगा। राष्ट्रपति के जवाब के बाद वोटिंग प्रक्रिया होगी और अगर उनके खिलाफ 54 वोट पड़ जाते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति चार्ज ले लेंगे और 60 दिन के अंदर चुनाव कराना होगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारत और मालदीव के बीच तनाव अपने चरम पर है। मुइज्जू लगातार चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। भारत के सैनिकों को मालदीव से जाने का आदेश तक दे चुके हैं। ये सैनिक वहाँ मालदीव के बीमार लोगों की मदद के लिए हैं। वहीं मुइज्जू ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौता खत्म करके चीन से हाथ मिला लिया है। चीन का जासूसी जहाज मालदीव पहुँचने वाला है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत को लाल आंखें दिखाने वाले मुइज्जू आखिर कैसे अपनी सरकार बचा पाते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।